जाजपुर जिला कुआखिया निकट बारवाटी छक ब्रिज उपर सोमवार राति 9:00 कालिया नोना नामक बस नंबर OD04VJ8599 तळकु खसिबा घटनारे 5 जणक मृत्यु घटिछे। ए दुर्घटनारे 42 जण यात्री आहत होइथबा बेले सेमानक मध्यरु 10 जण यात्री गुरुतर आहत होइछन्ते। कटक एसबी मेडिकल रे समुदाय 40 जण यात्रींकु भर्ती करा जाइछि। एमानक मध्यरे 13 जण महिला थबा बेले 27 जण पुरुष ओ 2 जण पिला रहिछन्ते। 2 जण अति संकटापन्न अवस्था रे थिबा यात्रींकु आईसीयू रे भर्ती करा जाइछि। एथिरे जणे पुरुष ओ जणे पिला रहिछन्ते। समस्तक चिकित्सा चलिछि। परिवहन कमिश्नर अमिताभ ठाकुरक सूचना अनुसार बस रे 47 जण यात्री थिले। तेबे कालियानोना बस पुरी रु कोलकाता हळदिया जाउथिला। एसीबी रे 7टी आईसीयू बेड प्रस्तुत करि रखा जाइछि। ऑर्थोपेडिक न्यूरोलॉजी सर्जरी मेडिसिन विभाग रो विशेषज्ञ डाक्टरक सह समुदाय 40 जण डाक्टरी टीम आहत गुरुतर आहत यात्रींक चिकित्सा करुछन्ते। समस्तक स्वास्थ्य अवस्था ठीक हेले सेमानक परिचय जांच परे सेमानक परिवार लोकंक जोगाजोग करा जइबो। आवश्यक पड़िले टोल फ्री नंबर रो व्यवस्था करा जइबो बोली कहिसेंति एसबी मेडिकल प्रशासनिक अधिकारी डॉक्टर अविनाश राउत। सेबट जाजपुर सड़क दुर्घटना रे 5 जणक मृत्यु घटना रे मुख्यमंत्रीक दुख प्रकाश करबा सह मृतकंक निकट आत्मीयंक 3 लाख टंका लेखाए सहायता राशि प्रदान लागि घोषणा करछन्ति। जो दुर्घटना रो कारण कोन रहिला सेटा आमे इन्वेस्टिगेशन रे ताकु बाहर करिबु। वर्तमान आमर एफर्ट रहूची कि आमे जो इंजर्ड हेछन्ति सेमानंकु केमती शीघ्र मेडिकल को शिफ्ट करिछु। आउ आमे चेष्टा थिला कि जेमती एडिशनल कैजुअलिटी जेमती न हो जते अधिक आमे जीवन बचाई पारि। आज्ञा देखन्तु एबे जेमती मु कहिलि आमर मुख्य उद्देश्य वर्तमान अछि कि समस्तंकु आमे चिकित्सा फर्स्ट एड करै कि तांकु चिकित्सा करैबा पई से जिनसरे आमर से दिगरे अछि। बाकी आमर गोटे टीम स्वतंत्र टीम गोटे समस्तंकर आइडेंटिटी एस्टैब्लिश करिवे प्लस एक्सीडेंट रो कॉज कोन रहिला ताको हम एस्टैब्लिश करू। टोटल नंबर ऑफ पीपल असेसमेंट होछ अराउंड 43 अछि एज ऑफ नाउ। मन टोटल बस रे तोले जो व्हाट एवर से भीतर आई थिंक एपटे 35 ऊपर प्लस लोक आईसी आछ। मेजर इंजरी केतरो कर अनुमान को चाहो आई थिंक 5 आईसी रे अछि। बाकी लोकन को माइनर या सिवियर इंजरी। ड्राइवर को कंडीशन सर केमती किछ जणा पड़छि। ड्राइवर एज ऑफ नाउ नो इंफॉर्मेशन वी आर फाइंडिंग इट आरटीओ अछि। लेट अस डू परिवार सतो जोगाजोग लानी। हां मैं लिस्ट आउट करू छु जहां माने वर्तमान आरटीओ को जति से बस स्वर्व करी छि लेफ्ट राइट स्वर्व करी के तापर तल को पड़ी छि माने तार बैलेंस टिके लूज करी थी सेते पई से बस तल को पड़ी जाई छि। और वर्तमान किसी कहे उचित हे बोले मु खाली समस्त को कलेक्टर जाजपुर भी अछंती आम सरकार सबू जे आमर कैजुअलिटी अछंती से मानको पई 3 लाख टंका क्षतिपूरण अनाउंस करी एवं जेते के भी इंजर्ड अछंती समस्त को ट्रीटमेंट ट्रीटमेंट परे तांकर निज निज घर को पठेबर। एबे आम सुधा आम पाखे 40 जन पेसेंट पहुंचा जहाँ 24 जन मेल अच्छा 13 जन फिमेल अच्छा आम भितर 2 जन मेल जो मैंने सीरीयस अच्छा सीटी स्कैन कलापर तक हेड इंजुरी अच्छी आम इमिडियेटली सेंट्रल आईसीयू को शिफ्ट करूँ। गोटे छोट छुआ से टिके भी सीरीयस अच्छी आईसीयू तार सीटी स्कैन पर आईसीयू को रेफर करू। बाकी 13 जन फिमेल अच्छा फिमेल रु 2 जन छोट अच्छा गोटे छुआ भल अच्छी गोटे तेज सीधा सड़क आम आपको कटक एससीबी मेडिकल नहीं जाऊँ सेठार आम प्रतिनिधि देवाशीष धल आम सहित तो जोड़ी होती। देवाशीष पूरा वर्तमान अपडेट कौन आसूँ जो भाव पूरा सूचना रही कि 40 जन यात्री को एससीबी रे भर्ती करा जाए समस्त स्वास्थ्य अवस्था किभली रही देवाशीष एवं समस्त परिचय मिल पारे कि ठीक भाव में समस्त संपर्क मैंने आसी पहुँचले कि अपडेट कौन आसूँ देवाशीष। हाँ निश्चित भाव में विद्युत प्रभाव आम सहित जरूरकालीन अधिकारी अविनाश राउत अच्छा सीधा सहित कथा अपडेट पूरा अपडेट नहीं जावा सर गत काली राति सुधा केते समुदाय संख्या पहुंचिले एवं अपडेट कौन अच्छी कौ कौ वार्ड में पहुंचती केते जन स्वास्थ्य अवस्था किभली अच्छी केते जन मृत्यु अच्छी और मृत्यु मृतक कौन परिचय मिले नहीं मृतक तो आम पाखक प्रथम कथ कह आसी ना जहाँ विशेष सूत्र आम खबर पाई 5 जन मृतक अच्छा जो मानक डेड बॉडी जाजपुर अच्छी आमे 46 जन पेसेंट काली राति 3टा सुधा रिसीव करिचु। 5 जन सीरियस थिबा जोगु तांको आईसीयू रे आमे रखिचु। आउ मैक्सिमम केस रे आपनकर जो 5 जन आईसीयू जाइचंती समस्तकर हेड इंजुरी अछि त सीटी स्कैन परे डॉक्टर को एडवाइस परे तांको आमे आईसीयू रे रखिचु। बाकी 41 जन रु पाखा पाखी आमर टीम ऑफ डॉक्टर सब डिपार्टमेंट रो लाइक ऑर्थोपेडिक न्यूरो सर्जरी सर्जरी ओएमएफएस विजिट कला परे 25 जन विपद मुक्त अछंती एवं
ସେମାନଙ୍କୁ ମେଡିସିନ୍ ଆଡଭାଇସ୍ ସହିତ ଆଜି ଆମେ ଘରକୁ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ପ୍ଲାନ୍ କରୁଛୁ ଆମ ଗାଡ଼ିରେ। ବାକି ଯେଉଁ 14 ଜଣ ପାଖାପାଖି ପେସେଣ୍ଟ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଅର୍ଥୋପେଡ଼ିକ ଇସ୍ୟୁ ଅଛି ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଅର୍ଥୋପେଡ଼ିକ ୱାର୍ଡରେ ଆଡମିସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛୁ। ଯେଉଁ ପେସେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ଏଠାରେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁ ତାଦୃ ଆପଣ ଡିସଚାର୍ଜ କରିବେ ଯେଉଁମାନେ ପେସେଣ୍ଟ ଚିକିତ୍ସିତ ସେମାନଙ୍କର କେଉଁ କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରୁ କିଛି ଅଛି? ମୋଷ୍ଟଲି ସବୁ ପେସେଣ୍ଟ ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ ଅଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ ପେସେଣ୍ଟ ଓଡ଼ିଶାରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ସେହି ବସ୍ ଯୋଗେ ଫେରୁଥିଲେ ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲକୁ ବସ୍ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ପରେ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲୁ। ଯେଉଁ ତାଙ୍କ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫିକେସନ ପରେ ସେମାନେ କନସର୍ସ ହେଲା ପରେ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲୁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ପେସେଣ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲର ମେଦିନାପୁରର। ଯେଉଁ ପେସେଣ୍ଟ ଆଇସିୟୁରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବସ୍ଥା କିଭଳି ଅଛି ନା ସେମାନେ ସିରିୟସ୍? 2 ଜଣ ପେସେଣ୍ଟ ସିରିୟସ୍ ଅଛନ୍ତି ତ ଭେଣ୍ଟିଲେଟରରେ ଅଛନ୍ତି, ବାକି 3 ଜଣ ମୋଟାମୋଟି ଏତେ ଇସ୍ୟୁଜ୍ ନାହିଁ ତ ଫର୍ଦର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପରେ ଆମେ କହିପାରିବା ତାଙ୍କର ଅପଡେଟ୍। ଛୋଟ ଛୁଆ 2 ଜଣ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବସ୍ଥା? ଗୋଟେ ଛୋଟ ଝିଅ ଛୁଆ ଯିଏ ଆଇସିୟୁରେ ଅଛି ସେ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ଅନକନସିୟସ୍ ଅଛି, ତାକୁ ଡକ୍ଟରମାନେ ସ୍ପେଶିଆଲ କେୟାର ନେଉଛନ୍ତି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ବାକି ଅନ୍ୟ 2 ଜଣ କନସିୟସ୍ ଅଛନ୍ତି। କାଲି ଯେଉଁଭଳିଆ 40 ଜଣ ଟିମ୍ ଡାକ୍ତର ରହିଥିଲେ ଆଜି କିଭଳି ରହିଛି ଅପଡେଟ୍? ସେହି ଡକ୍ଟରମାନେ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା କାମ କରୁଛନ୍ତି, ପୁଣି ସିଫ୍ଟ ଚେଞ୍ଜରେ ଆମର ଅଲଗା ଅଲଗା ଡକ୍ଟରମାନେ ଆସିବେ। ଯାହା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣୁଥିଲେ ପୁରା ଟିମ୍ ଅଫ୍ ଡକ୍ଟର୍ସ 40 ଜଣ ଟିମ୍ ଅଫ୍ ଡକ୍ଟର୍ସ କାମରେ ଲାଗିଛନ୍ତି ଆଉ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଚିକିତ୍ସା ଯୋଗାଇ ହେବ ସେମାନେ ସେଭଳିଆ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ଯେଉଁ 27 ଜଣଙ୍କୁ ପାଖାପାଖି ସେମାନେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବସ୍ଥା ଠିକ୍ ଅଛି ସେମାନଙ୍କୁ ଏଠାରୁ ଗାଡ଼ି କରାଯିବ ସେମାନଙ୍କୁ ସେଠୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଛଡ଼ାଯିବ। ପୁରା ପ୍ରଶାସନ ତତ୍ପର ରହିଛି, 40 ଜଣିଆ ଡାକ୍ତରୀ ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଖାସ କରି ଅଧିକାଂଶ ଯାତ୍ରୀ ଯାହା ଅପଡେଟ୍ ଆସୁଥିଲା କି ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲରୁ ରହିଛନ୍ତି। ଖବର ଉପରେ ନଜର ରଖିଥାନ୍ତୁ ଦେବାଶିଷ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ତମାମ ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।